सबको पता है कि इसने अभी दुआएं भी कराते, बस दुआ करें जी, महीना हो गया, दो महीने हो गए, अब बस दुआ करें अल्लाह खैर का मामला करे, बस मौत आ जाए, मौत नहीं आ रही। लेकिन जब मर गए तो मरने के बाद फिर आसमान सर पर उठा लेते हैं, रोना पीटना, भाई एक महीने से तैयारी कर रहा हो और अभी तक तुम्हारे जो है मामला खत्म नहीं हुआ, तुम तो इंतजार में थे कि मरे ही, जान छूटे, और जब मर गया अब लिपट लिपट के रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, शिकवे और शिकायतें कर रहे हैं, तो ये दुरुस्त नहीं है। इसलिए पहले से तैयारी होनी चाहिए। शरीयत ने रोने से मना नहीं किया। इंसान की आंखों से अगर आंसू निकल आते हैं किसी अजीज के बिछड़ने पर, कोई हरज की बात नहीं, आंसू निकले। दिल में गम है, इसका भी कोई हरज नहीं, क्योंकि दिल गमगीन होता है। जिसका कोई प्यारा दुनिया से जाएगा तो दिल तो गमगीन होगा उसकी जुदाई से। आंख से आंसू भी निकलेंगे, कोई हरज नहीं, लेकिन आपने फरमाया इस जबान की पकड़ होगी। अगर जबान से कोई अल्फाज लफ्ज निकला उल्टा सीधा, शिकवे शिकायत का, इसकी पकड़ होगी, इसी जबान को रोको। और जबान से सिवाय इसके कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने के और कुछ ना कहो, और कहो कि भाई अल्लाह की अमानत था, वक्त आया चला गया, एक दिन हम भी चले जाएंगे। इसका जाना हमारे लिए इबरत का सबब है कि ये तो अपने मकाम पर पहुंच गया, हम रह गए, हमें तो अब अपनी फिक्र करनी चाहिए, हम उसकी फिक्र में लगे हैं। उसकी फिक्र इस हद तक तो हो कि जल्द अज तजीद व तकफीन हो, तदफीन हो, लेकिन ये कि उसके लिए तो हम रो पीट रहे, अपने अमल की तैयारी नहीं। इसलिए इसकी फिक्र करनी चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकामात हैं उनके मुताबिक आदमी अमल कर। हदीस में आता है जैसे कि मैंने कहा कि बाज़ औक़ात बाज़ लोग बीमार हो जाते हैं, अब बीमार की आयादत के लिए आदमी जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाया करते थे, लेकिन तकल्लुफात ना इख्तियार किए जाए। आज लोग सिर्फ इसलिए आयादत के लिए नहीं जाते कि साहब किसी की आयादत के लिए जाओगे तो फल ले जाना पड़ेगा, फ्रूट लेके जाना पड़ेगा, और कुछ नहीं तो बिस्कुट के डब्बे लेके जाने पड़ेंगे, और ये नहीं होगा तो कैसे आयादत कर सकते हैं साहब। नतीजा क्या कि एक सुन्नत को हमने छोड़ दिया, मसनून तरीका छोड़ दिया, और इस चक्कर में कि साहब कुछ जब जेब में नहीं तो लेके क्या जाएं, और जब है नहीं तो आयादत कौन करे, ये तरीका गलत है। हमारे पास कुछ हो या ना हो, असल चीज आयादत है। और आयादत का मकसद क्या होता है? मरीज के दिल को खुश करना, हमारे जाने से वो खुश हो कि भाई हमें को पूछने के लिए आया। इसलिए आदमी वहां जाए, थोड़ी देर के लिए बैठे और उसको ऐसे अल्फाज से उसकी आयादत करे जिससे उसका दिल खुश हो, और फिर जल्द अज जल्द वहां से वापस आ जाए। ये किसके लिए है? जो आम आदमी है, आम लोग हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स है कि मरीज उसके आने पर बेहद खुश हुआ और उसका दिल चाहता है कि मेरे पास ठहरे बैठे, इसके बैठने से सुकून मिलता है, दोस्त है को पुराना या उससे बड़ी मोहब्बत है जो आया है, तो अगर वो देर तक भी बैठे तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन उन लोगों के लिए जो आम लोग होते हैं, कोई महल्ले का चला गया, पड़ोस का चला गया, कोई इधर उधर का चला गया आयादत के लिए, उसको चाहिए बस आयादत करे और जल्द अज जल्द वापस आए। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तशरीफ ले जाते तो जो जगह थी कहीं अगर दुखन होती तो आप वहां हाथ रख देते, अपना सर पे हाथ फेर देते या जिस्म पर आप हाथ फेर देते, और आप फरमाते लाबासतहूर इंशाअल्लाह, पर फिक्र की कोई बात नहीं इंशाअल्लाह, ये बीमारी तुम्हारे गुनाहों के धोने का जरिया है इंशाअल्लाह, इस बीमारी के जरिए से अल्लाह ताला तुम्हारी बीमारियां धो डालेंगे। तो आप और इसी तरीके से आप उसको और उसके लिए दुआएं भी फरमाते। तो इस तरह हमें भी चाहिए कि हम जाए और उसको खुश कर देने वाली कोई बात कहें कि भाई इंशाअल्लाह जिस किस्म की तुम्हें बीमारी है, अल्लाह ताला कभी कभी सेहत भी हो जाती है, इसलिए फिक्र की कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला बेहतरी करेंगे। तो हदीस में आता है कि इन बातों से होगा तो कुछ नहीं, यानी होगा वही जो अल्लाह चाहेंगे, लेकिन मरीज का दिल खुश हो जाएगा, और यही मकसद है आयादत का। और एक हदीस में आता है कि जब कोई आदमी किसी आयादत के लिए जाता है किसी की, 70,000 फरिश्ते उसके लिए मगफरत की दुआ करते हैं, अगर सुबह गया है तो शाम तक और शाम को गया है तो सुबह तक, यानी सारी रात 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ में लग गए। बताइए कितना बड़ा अमल है। और जो मरीज है उसको ये समझना चाहिए कि भाई नहीं पता कि मेरी मौत कब आ जाए, इसलिए वो बेफिक्री में न रहे। जरूरी नहीं कि बीमारी में मरी जाए, लेकिन मुमकिन भी तो है कि मर जाए। इसलिए आदमी को अपने आमाल की फिक्र करनी चाहिए, गफलतों में वक्त ना गुजारे। मैं तो हमेशा ही कहा करता हूं कि कोई आदमी बीमार हो जाए तो उसके अगर आदत नहीं भी है तब भी उसको तस्बीह पकड़ा दे कि भाई ये तस्बीह हाथ में रखो। ये तस्बीह ये होता है कि ये याद आता रहता, कुछ ना कुछ आदमी पढ़ ही लेता है। हाथ में तस्बीह हो तो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, दुरूद शरीफ कुछ ना कुछ इंसान पढ़ लेता है। लेकिन अगर ये चीज हाथ में ना हो, बाद याद ही नहीं रहता, पता चला कुछ उल्टे सीधे कामों में मशगूल हुआ,
तो इसलिए उसके हाथ में तस्बीह पकड़ाते हैं कि भाई ये मेरी तरफ से हदिया है, ताकि आदमी तस्बीह पढ़ता रहे, इंशाल्लाह इसका सवाब इसे भी मिले। और हदीस शरीफ में यह भी आता है कि जब कोई आदमी बीमार होता है तो बाज़ औक़ात बीमारी उसके लिए नेमत का सबब बनती है। अल्लाह ताला बाज़ लोगों को ऊंचे मकाम अता फरमाना चाहते हैं, लेकिन ऊंचा मकाम अपने आमाल से उसे हासिल नहीं हो सकता, तो अल्लाह ताला उसे बाज़ औक़ात किसी तकलीफ में मुब्तला कर देते हैं, जिस्मानी तकलीफ हो या माली तकलीफ हो, या इसी तरीके से कोई किसी मर्ज में मुब्तला हो गया, बीमारी में मुब्तला हो गया, तो इस बीमारी में जब वो सब्र करता है, इस सब्र के नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके दराजात ऊंचे कर देते हैं और ऐसे मकाम पर पहुंचा देते हैं जहां अल्लाह ताला उसको चाहते हैं और अपने अमाल से वो नहीं पहुंच सकता था। तो इस एतबार से भी बीमारी नेमत है, इसलिए हर बीमारी जहमत नहीं। तो अब खुद से आदमी चाहे बीमारी न मांगे, लेकिन अगर आ जाए उसके असबाब भी इख्तियार करे दूर करने के। हदीस में आता है कि हर बीमारी जो अल्लाह ने नाजिल की है उसकी दवा भी नाजिल की, लेकिन लिदाइन दवाओं, हर बीमारी के लिए इलाज है, दवा है। इसलिए आप हमेशा ये मशवरा दिया करते थे कि बीमार को माहिर तबीब को दिखाया जाए, माहिर को दिखाया जाए, ताकि जो इलाज वो करे उसके मुताबिक फिर अमल करके अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अगर मर्ज के मुताबिक दवा दी जाए, जिसका क्या मतलब है, माहिर को दिखाने का मतलब भी यह है कि तशखीस सही हो, बाज़ोका तशखीस सही नहीं होती, जिसके नतीजे में आप हजार टेस्ट करा लें, हजार डॉक्टर बदल लें, बीमारी नहीं जाती। लेकिन अगर मर्ज की तशखीस दुरुस्त हो जाए, उसके मुताबिक दवा दी जाए, फौरन शिफा हो जाती। चुनांचे आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह ताला ने हर बीमारी का इलाज रखा है और हर मर्ज की दवाई नाजिल फरमाई है, सिवाय एक बीमारी। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो क्या बीमारी है, फरमाया बुढ़ापा, बहुत ज्यादा बुढ़ापा, यानी जब बहुत ज्यादा बुढ़ापा उसका कोई इलाज नहीं, कुछ भी दवाई खा ले आदमी जवान नहीं बनता, चाहे कितनी हसरत करता रहे कि भाई काश मैं जवान हो जाऊं, लेकिन हसरतों से ये चीजें हासिल नहीं होती। अब देखिए जवानी किस कदर अल्लाह ने गनीमत चीज हमें अता फरमाई। हदीस में आता है ना कि मरने से पहले जिंदगी को गनीमत समझ लो, जब मौत आ जाएगी फिर वक्त नहीं मिलेगा। अब आदमी सोचेगा जिस थोड़ा सा वक्त मिल जाए मैं कुछ कर लूं, तो सारी जिंदगी तुझे क्यों दी थी, करने ही के लिए तो दी थी, और बताने वालों ने बताया उसके बावजूद भी तुमने जो है वो इख्तियार नहीं किया रास्ता सीधा। तो इसलिए अब जब मौत का फरिश्ता आ जाता है या मौत के फरिश्ते दिखने शुरू हो जाते हैं, फिर इंसान को मोहलत नहीं दी जाती। इसलिए उससे पहले पहले कि हम फिक्र कर लें, और खास तौर पर जिनकी उम्र 40-50 से ऊपर हो गई उन्हें तो और ज्यादा हमें फिक्र करनी चाहिए कि अब हमारा वक्त तो कम रह गया, ज्यादा गुजर गया। आदमी चलो 15-20 साल का होता है, 25 साल का होता है, सोचता है कि अभी तो मैं जवान हूं, हालांकि जवानियों का भी कोई भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी किसी न किसी दर्जे में चलो आदमी समझता है अभी तो जवान हूं, अभी बुढ़ापा आएगा, यानी अधेड़ उम्र आएगी, फिर बुढ़ापा आएगा, फिर बीमार होऊंगा, फिर मरूंगा, हालांकि सारी चीजें मौत के लिए कोई जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी, लेकिन जो बुढ़ापे की हदूद में दाखिल हो गए उनके लिए तो गफलत जेबा ही नहीं, उनको तो गफलत जेब ही नहीं देती एक लम्हे की भी। आदमी कम से कम अपने मामलात को साफ रखे, मामलात चाहे औलाद से मुताल्लिक हो चाहे दूसरों से मुताल्लिक हो, अपनी औलाद साफ मामले रखने चाहिए। एक साहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में उन्होंने शादी की, जब उनकी औलाद हुई, गालिबन बच्चा बड़ा हुआ, तो उनकी जो बीवी थी, दूसरी बीवी थी गालिबन ये, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तुमसे उस वक्त खुश होंगी जब तुम फला बाग इस बच्चे के नाम कर दो। तो उन्होंने कहा अच्छी बात है, और बाद रिवायत में आता है कि उन्होंने कहा कि मैं तब खुश होंगी जब तुम गालिबन, उन्होंने कह दिया कि ठीक है ये फला बाग इसका हुआ, कहा कि ऐसे नहीं, मैं चाहती हूं इसका गवाह तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाओ ताकि बात पक्की हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो आए और कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गवाह रहिए, मैंने फला बाग इस बच्चे को दे दिया। आपने फरमाया कि ये बताओ कि सब बच्चों को दिया है या सिर्फ इसी को दिया। कहा कि सबको तो नहीं दिया, इसी को दिया है। फरमाया जुल्म के मामले पर मैं गवाह नहीं बनता, यानी जब तुम जिंदगी में तकसीम कर रहे हो मालो दौलत, तो फिर सब औलाद में बराबर तकसीम करो, उसमें फिर न लड़का और न लड़की इसकी कोई तमीज नहीं है। अगर एक लड़के को तुम 1 लाख रुपए दे रहे हो तो लड़की को भी 1 लाख रुपए दो, फिर उसमें यह नहीं है कि साहब ये लड़का है ये लड़की। आमतौर पर लोग इस मामले में बड़ी कोताहियां करते हैं,
یہ بھی اصل میں غفلت کا نتیجہ ہے. بھائی لڑکی بھی تو تمہاری اولاد ہے, اس کو کیوں محروم کرتے ہو؟ لڑکے کے لیے تو سارا معاملہ ہوتا ہے, اور لڑکی کے لیے کہتے ہیں صاحب ہم نے شادی کر دی, بس اب یہ تو اس کی وہاں کی ہو گئی, جو وہاں پر قسمت ہے اس کو وہاں ملے گی, جو اس کا یہاں. اگر زندگیوں میں تقسیم کر رہے ہو تو برابری کی بنیاد پر. الا یہ کہ بعض اوقات صورتحال ذرا ایسی ہوتی ہے جو قابل استثناء کی ہوتی ہے. مثلا کوئی اولاد نیک زیادہ ہے, اپنے ماں باپ کی خدمت زیادہ کرتی ہے, یا یہ کہ وہ نیک بھی ہے ساتھ میں معذور بھی ہے, باقی بھائی اپنے اپنے کاموں سے لگے ہوئے ہیں لیکن یہ معذور ہے کوئی کام نہیں کر سکتا, تو ایسی صورت میں استثناء کی صورت ہے کہ اس کو زیادہ دے دیا جائے اوروں کے مقابلے میں, تو کچھ گنجائش. میں نے کہا نا کہ اس قسم کے مسائل جب بھی سامنے